जब मेरे को हॉस्पिटल लेकर के आए ना सो एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में मेरे को दिखाया एंड उस टाइम मेरी जो नर्व थी वो बहुत स्लो डाउन हो गई थी तो डॉक्टर ने फर्स्ट स्टेटमेंट पापा को ये बोला no more, like कि ही इज़ नो मोर ही इज डेड व्हाट आई फील लाइक कि मेंटली स्ट्रांग सब मैं सब लोग मेंटली स्ट्रांग हैं बट हम केवल मर दें तो हम क्या रो नहीं सकते अगर हम रो देते ना तो ये दुनिया में कमजोर कमज़ोर समझ लेती है बट इमोशंस हमारे अंदर भी थे भरोसा टूट गया था मेरा एंड मैंने अपना करियर क्विट कर दिया था मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर आई क्विट सुसाइडल थॉट भी आए थे उस टाइम पर कि यार अब तो जिंदगी में कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है अब कुछ बचा नहीं जिंदगी में सो so यार ये इंटरव्यू तो खत्म हो गया सिद्धार्थ भाई के साथ एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें अगर आपको पसंद आए होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना कॉमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल देना और सारंग एंड इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा रील्स टिपिट्स वायरल होने वाले हैं सो जाओ जा करके फॉलो कर लेना सिद्धार्थ भाई प्लेटफॉर्म एंड उन्हें प्यार दिखाना ब्रोसेना की तरफ से सब्सक्राइब एंड लाइक नाउ हे सिरी, सिरी अगर आप अपने फोन से पूछे तो Siri की आवाज़ कहती है, It's UK 07 Rider. अनुराग कैसा है अनुराग बाबा क्या ऐसे भाई बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा आपसे हम लोग मैं इंट्रो में बता देता हूँ हम लोग लो लास्ट ईयर एक अवार्ड शो में मिले थे हाँ. लेकर ले के लास्ट ईयर तक आज पर्सनल इंटरव्यू तक लॉन्ग वे सिद्धार्थ मेरी <laughs> मेंटली कैसे फील कर रहा अभी बेटर हो कि नहीं हाँ, आ, मैं मेंटली फील कर रहा हूँ इतनी सारी चीजें जाने के बाद तो हम लाइक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बाबू भैया भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके mentally. इतनी छाती इतनी पे गोली खा ली है जिंदगी में एम ना फाइन अभी थोड़ा वक्त लगेगा इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए बट अभी के लिए आए थे तो शेखन अप हो गए थे uh, शेखन अप शो के अंदर ही हो गया था बाहर आकर के मुझे कहीं ना कहीं एक रि रिलीफ मिला क्योंकि मुझे ना शो के अंदर ये लग रहा था कि यार कि क्या ही चल रहा है जिंदगी में क्यों ही हो रहा है मेरे साथ बट जब बाहर आया बाहर इतने लोगों का प्यार देखा ट्विटर पे एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ है अनुराग डबाल अर्नड रिस्पेक्ट अब जिंदगी में कितना भी पैसा और कितना फेम कमा लो ना वो आपको शायद इतनी खुशी नहीं देगा बट जब आप इज्जत कमाते हो ना जनता के सामने वो इतनी खुशी देता है मेरा एक डायलॉग है खुशी को दिन खुशी को दिन मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस जाने वाले दिन मुझे इतना खुशी नहीं हुआ था जब जिस दिन मैं बिग बॉस से बाहर आया था जब मैं बाहर आकर के लोगों की नज़रों में वो इज्जत और प्यार देखा ना आई मैं लिटरली आज भी रो देता हूँ मैं जब भी रोडों पे निकलता हूँ पीपल आर लाइक कि बाब भैया इतना सब कुछ झेलने के बाद इतना सब कुछ यू you नो know, आपने फील करा शो में एंड आज जो इज्जत है आपकी नज़रों में वो पहले यहाँ थी और आज यहाँ है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पूरे शो में पर देखा जाए लाइफ में तुम सत्ताईस साल के हो तुमने व्लॉगिंग स्टार्ट की तेईस साल की उम्र में जी भाई कुछ ही दिन पहले नंबर वन ट्रेंड पे भी थे तो मुबारक हो वेल well डन शुक्रिया डांस तुमने लाइफ में ऐसा नहीं है कि संघर्ष यहीं पे देखा है जिंदगी में भी तुमने संघर्ष देखा राइट? तुमने बहुत है बहुत बैटल्स फेस किए जब वो छोटा सा अनुराग था उसने उसमें बहुत कुछ देखा हुआ है आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैं आपको लाइफ जो नहीं बताता हूँ सो मैं बहुत ही कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मेरे पापा टीचर हैं एंड हम मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ UK 07 जीरो सेवन like इज़ लाइक यू इज़ उत्तराखंड एंड जीरो सेवन इज़ देहरादून का कोड। सो so, उत्तराखंड में ना दो हैं, एक यू you नो know, पहाड़ी और एक प्लेन सो so, देहरादून प्लेन एरियाज़ में आते हैं देहरा ओ, जो पहाड़ी हैं, बट पहाड़ी एंड पहाड़ी रीजन्स में भी दो कम्यूनिटीज़ हैं एक गढ़वाली और एक जानसारी सो so, मैं पहाड़ों की बात करता हूँ बैक इन 2000 की बात कर रहा हूँ मेरे पापा बहुत नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते थे उस टाइम तो शायद टेंथ तक का कोई स्कूल था उसमें वो पढ़ाते थे मेरे पापा की मंथली जॉब मेरे पापा की मंथली सैलरी वॉज लाइक बारह सौ रुपए सो आप सोच सकते हो कि उस टाइम में बारह सौ रुपये में एक फैमिली को चलाना पहाड़ों में और पहाड़ों में ना हम लोग ऐसे लोग हैं जहाँ पर हमें कुछ ऐसा सुविधा की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके फोन में ने, नेटफ्लिक्स चाहिए आप बर्गर खा रहे हो बस तीन टाइम की रोटी आप खा रहे हो अपना चूल्हा चल रहा है घर का वही लाइफ से मैं आया था सो so, जब पैदा हुआ यू you नो know, तो पापा को ये था कि घर का बड़ा बेटा है घर का यू you नो know, बड़ा बेटा जब आप होते हो ना घर के तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं एंड पापा को था कि मेरा घर का बड़ा बेटा है तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी बट जब मैं यू uh, नो you know, बड़ा होना शुरू हुआ आई गेस छः साल का जब मैं था तो मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था एंड उस टाइम पर जब मेरे घर वालों को पता लगा कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ है मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ हम आ, मेरे उस टाइम तो याद नहीं था मेरे को क्या क्या हुआ है। मेरे साथ बट पापा बता रहे थे कि यू you नो know, जब फर्स्ट डे जब वो अटैक मेरे को पड़ा तो हम पापा हम लोग रात को आ, सोने चले गए एक्चुअली क्या रहता है कि पहाड़ों में लोग जल्दी सो जाते हैं सात आठ नौ बजे जब क्योंकि एंटरटेनमेंट का इतना सब कुछ सुविधा होता नहीं था टी भी बहुत कम लोगों के घर में हुआ करता था उस टाइम पर तो सात आठ बजे करीब हम लोग सो गए होंगे एंड जब मैं सो रहा था तो मैंने ना उल्टी कर दी थी तो मेरे मुंह से सफ़ेद झाग आया पापा ने मेरे को बताया तो सब लोग डर गए करके कि क्या हो गया क्या हो गया एंड पहाड़ों में ना लाइक एक चीज़ है जो माना जाता है कि आप छल जाते हो आपको भूत प्रेत लग जाते हैं क्योंकि ये बिलीव करते हैं हम लोग देवी देवताओं पर ना बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड उस पॉइंट पर आप सोचो कि जब मेरे मुंह से झाग निकल रहा था और उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि हमारे बेटे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है सो so, आस पास के लोगों ने कहा कि इसे भूत लग गया ये छल गया है मेरे पापा ने ना शायद उस पॉइंट पर बिलीव नहीं करा पापा ने कहा यार मेरे बेटे की तबीयत खराब है मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाता हूँ जहाँ हम लोग रहते थे ना वहाँ से ऑलमोस्ट लाइक like, uh, चार पाँच घंटे के लिए पैदल ट्रैक करके वहाँ पर पहुँचना पड़ता था जहाँ पर हम लोगों को गाड़ी मिलती थी मतलब एक मेन रोड पर आते थे हम लोग पहाड़ में अगर यहाँ रहते तो ट्रैक करके हम लोग नीचे आते थे एंड फिर हमें गाड़ी मिलती थी देहरादून जहाँ प्लेन एरिया में जहाँ हॉस्पिटल्स अवेलेबल थे पहाड़ी एरियाज़ में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स इतने मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स नहीं थे बस वो आपकी बुखार यू नो नॉर्मल जो आपकी तबीयत खराब होती थी उन्हीं लोगों के उन्हीं चीज़ों के लिए दवाइयाँ दे सकते थे सो वड हैपन जब मेरे पापा को पता लगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है उस रात को मैं बेहोश हो गया था एंड पापा मेरे को कंधे में डाल करके वो चार किलोमीटर का ट्रैक अकेले करके आए जहाँ पर लोग ये बोलते थे कि यू नो रास्ते में भूत पकड़ लेगा रास्ते में आत्मा पकड़ लेगी रास्ते में जंगली जानवर पहाड़ों में यू नो बाघ बहुत ज़्यादा होते हैं गाने भी बनाए कि रात को जब आप बाहर निकलोगे तो आपको बाघ पकड़ लेते हैं उस टाइम मेरे पिताजी को केवल एक ही थाट था मेरे लिए कि यार मुझे अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है पापा मेरे को चादर में लपेट करके मेरे को चार घंटे पैदल ट्रैक करके नीचे लेकर के यही सोच करके कि बस मेरा बेटा जिंदा रहे जिंदा रहे और मैं बेहोश हो गया था सो पापा जैसे ही नीचे जहाँ पर गाड़ी के पास पहुंचे उसके बाद पापा ने मेरे को गोदी में पकड़ा और पापा मेरे को बताते कि जब तू गोदी में था ना मेरी तो तूने एक शब्द बोला था कि पापा उस छह घंटे में मैंने पहली बार एक शब्द बोला था पापा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था सो पापा को कहीं ना कहीं ये था कि यार मेरा बेटा ठीक हो जाएगा क्योंकि सब परेशान हो गए थे कि रैंडमली इतना हंसता खेलता बच्चा था और एकदम से क्या ही हो गया जब मेरे को हॉस्पिटल लेकर के आए ना सो एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में मेरे को दिखाया एंड उस टाइम मेरी जो नर्व थी वो बहुत स्लो डाउन हो गई थी तो डॉक्टर ने फर्स्ट स्टेटमेंट पापा को ये बोला कि ही इज़ नो मोर ही इज डेड आप ये सोचो कि उस टाइम पे मेरे पापा पे क्या बीती होगी ये सोच करके कि डॉक्टर ने उनके बेटे को डेड घोषित कर दिया बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा मेरे पापा के लिए वो मैं बयाँ भी नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों में बट जब भी पापा स्टोरी बताते ना तो रोज आते हैं उसके बाद पापा मेरे को दूसरे हॉस्पिटल लेकर के गए एक बड़े हॉस्पिटल लेकर के गए वहाँ मेरा चेकअप हुआ फिर वहाँ पता लगा कि यू नो द पर्ल्स इज़ स्टिल गोइंग वीक थी बट आई विज स्टिल ए सो मौत के मौत को छू कर कैसे टक से वापस आया हूँ मैं उस पॉइंट पर खैर ये तो एक पॉइंट था जहाँ पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहे बट जैसे धीरे धीरे करके बड़ा हुआ तो मेरी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट मेरी चौदह साल तक दवाइयाँ चलिया मेरी मैं सीधा नहीं चल पाता था मेरी मम्मा मेरे को बोलती थी कि तू दवाइयों पे इतना रहता था मेरे को चक्कर आते थे मेरे को फिट्स आते थे मेरे को ब्रेन ट्यूमर था तो चौदह साल तक उन दवाइयों के प्रकॉशंस इतने स्ट्रोंग थे कि मैं सीधा नहीं चल पाता था आज की डेट पर जब मैं बाइक 300 पे चलाता हूँ ना तो मेरी माँ बोलती है कि ये वो लड़का है जो कभी सीधा नहीं चल पाता था और आज इसे कोई पकड़ नहीं पाता है सो कम अ लॉन्ग वे बहुत कुछ झेला है जिंदगी में बट कभी उसका सिंपैथी कार्ड नहीं खेला शो के अंदर बिकॉज आई रियली वॉन्टिड कि लोग जो आज की डेट पर मैं हूँ वो देखें उस शो के बिग बॉस में जब मैं गया था आई रियली वॉन्टिड कि लोग मेरी रियल साइड देखें दिस इज वॉट आई एक्चुअली टॉक हमें पंद्रह मिनट हुए हैं इस कॉन्वर्सेशन में जनता के साथ भी 10-15 मिनट का एक कॉन्वर्सेशन होगा बट

Uh, बुरी रात के बाद जो मेरी जिंदगी में सवेरा हुआ ना जो लोग को मेरे को पर्सनल मेरे फैंडम में मेरे को जानते थे मेरी बिरोसी ना मेरे को ऑलरेडी पहचान दी थी क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है चार साल तक जितनी भी वीडियोस है मैंने आई गेस 900 सौ वीडियोज़ अपलोड करी अपने चैनल पे सो मेरी फर्स्ट अर्निंग जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो मैंने तीन सौ से एक ट्यूशन पढ़ाया था वो तीन सौ की मेरी फर्स्ट अर्निंग थी सिद्धार्थ भाई एंड उसके बाद इतने बड़े बड़े यू नो खोखे तक डील लॉक करने तक का सफर रहा है सो so, मेरे लोगों ने वो जर्नी ऑलरेडी देखी हुई थी तो उन्होंने कभी मेरे को जज नहीं करा कि अनुराग डोभाल कैसा है क्योंकि उन्हें वो जानते थे कि अनुराग ऐसा ही है मैं जैसा था रियल लाइफ में वैसा ही शो में था तो उनको कहीं ना कहीं था कि क्या ही हो रहा है हमारे बाबू भैया के साथ बट उस टाइम पीरियड में जिन लोगों को मेरा रियल साइड ऑफ द स्टोरी दिखानी तो उन लोगों ने एक पॉइंट पर जज करा कि यार ये लड़का क्यों है ऐसा बट जब मैं शो के बाहर आया ना मैंने अपने वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में चेक करा है लोगों को कॉमेंट करते हुए कि भाई वी रियली फील बैड कि उस टाइम पर अनुराग हम लोगों ने एक विदाउट जजमेंट दे करके विदाउट पॉइंट ऑफ व्यू जाने हुए हमने एक यू you नो know, एक ओपिनियन दे दिया कि अनुराग तो कुछ नहीं कर रहे हैं बट द मोमेंट आई केम आउट जब मैंने अपनी एक स्टोरी सुनाई लोगों को इंटरव्यूज के थ्रू लोगों को मेरी स्टोरी पता लगी वेरी हैप्पी कि भाई यहीसन जो एक रियल गए थे really ने मेरी बात पाई जनता तक एंड जनता का भी शुक्रिया की उन्होंने असली बाबू भैया को पहचान लिया आखिरकार बट भाई देखा जाए जी? जो ऑनेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता है ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे निकलेगा ही इट्स इट्स द द लॉ ऑफ लाइफ राइट पर मैं ही कहना चाहता हूं कि कमिंग बैक टू दैट जर्नी राइट तुम्हारा ये सब होने के बाद तुम क्लिनिकली डेड माने गए थे राइट right? और सडनली एक दिन मोटर चला रहे हो पर वो मोटरसाइकिल चलाने के वक्त तक क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे कॉन्फिडेंस टूटा था लोगों के साथ डील करते वक्त क्या लोग तुम्हें जजमेंट्स पास करे थे अनुराग बॉय अनुराग बना और आगे बढ़ने लगा ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था मेरे मेरे लिए और क्योंकि पता है जब आप किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं ना तो वो केवल आप ही जानते हो कि आप क्या फील करते हो मैं जब स्कूल में भी था तो नो स्कूल में भी थोड़ा सा बुरा टाइम जाता था लोग बच्चे जो थे वो चिढ़ाते रहते थे कि ये दस दिन बीमार रहता है महीने में स्कूल नहीं आता पंद्रह दिन छुट्टी करता है इतना स्ट्रांग नहीं है मैं लाइक बचपन में तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं था फिजिकली भी कि मैं कुछ को, कोई एक्टिविटी कर पाता मैं कुछ एक्टिविटी करता था आई यूज़ टू फेंट मेरे को फिट आते थे मेरे मुंह से झाग निकलता था तो बचपन में भी लोगों ने बहुत स्कूल टाइम में बहुत मजाक बनाया गया उस चीज़ का मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है पता है क्या रहता है कि हम सब कहीं ना कहीं किन्नी ना चीज़ों से जूझ रहे होते हैं किसी को जॉब की टेंशन है अपनी जिंदगी में किसी को प्यार की टेंशन है किसी को अपने माँ बाप को प्राउड कराना है कोई अपनी बहन की शादी कराने के लिए परेशान है किसी को पैसे चाहिए जिंदगी में किसी के लिए खुद के लिए कोई उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं सब कोई ना किसी चीज़ से जूझ रहा है जिंदगी में बट पता है सबसे बड़ा डर क्या रहता है सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर हम जिस चीज़ से जूझ रहे हैं जब वो दुनिया हमें जज करती है ना उस चीज़ पे कि यार तू नहीं कर पा रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा ये सारी चीजें बींग अ मैन मुझे एक चीज लगती है कि एक मर्द ना अपनी जिंदगी में हर एक चीज ट्राई करता है अपनी बीवी अपने घर वालों को अपनी बहन को अपने प्यार को खुश रखने के लिए और वो अपना एक लाख परसेंट दे रहा होता है बट जब सामने से उसे कोई ये बोलता है ना कि भाई तू क्या ही करता है तेरे से नहीं हो पा रहा है

तो बोला जाता है ये तो तुम्हें करना ही है ये तुम्हारा फर्ज है ये तुम्हारा फर्ज है तुम्हारा ये है तुम्हें ये करना तो ये दिस इज वॉट यूर फॉर राइट बिल्कुल एंड कभी दो ठीक है अच्छा यार ब्यूटिफुल मैन यू नो बट उनको लगता है क्योंकि हम लोग के अंदर फिजिकलिटी स्ट्रेंथ है तो उनको लगता है कि मेंटली भी उतना ही हम strong strong है, है. है ना स्ट्रॉग्रॉग आई फील लाइक कि मेंटली स्ट्रॉन्ग सब मैं सब लोग मेंटली स्ट्रांग हैं बट हम केवल मर दें तो हम क्या रो नहीं सकते अगर हम रो देते ना तो ये दुनिया में कमजोर कमजोर समझ लेती है बट इमोशंस हमारे अंदर भी थे मैं जब शो में था तो मैं ना बाथरूम में जाकर के रोया करता था यही फैक्टर फियर फैक्टर लेकर के यार अगर मैं बाहर रोऊंगा ना मैं मम्मा के लिए एक दिन शो पर रोए थे तो मैं रो तो गया था इमोशन तो मैंने एक्सप्रेस कर दिए थे कि यार मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही है एक लड़के के लिए ना एक माँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी से कर सकता है तो वो अपनी माँ और अपनी बेटी से कर सकता है अपनी बीवी से भी करता है बट ये दो एक ऐसी चीज़ें कि एक 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 लड़के के लिए वो अपनी माँ और अपनी बेटी से जितना प्यार कर सकता है ना वो शायद किसी और से नहीं कर सकता सो मुझे बहुत बुरा फील होता था यार कि मैं क्यों नेशनल टेलीविजन पे रो गया हूँ बट देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है यार लड़के तो क्या रो नहीं सकते अब सोसाइटी में ना एक चेंज भी आ रहा है कि अब सोसाइटी को वो चीज समझ में भी आ रही है सोसाइटी वो एक्सेप्ट कर रही है हम बोलते हैं ना कि हां मर्द और, और औरत इक्वल है अब सोसाइटी वो चीज एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ मर्द और, और औरत इमोशंस में भी इक्वल है सो टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन पीरियड स्कूल टाइम में लोग बुली करा करते थे कि भाई तेरे से ना हो पाएगा जिंदगी में कुछ आई एम रियली प्राउड ऑफ माई कि उन्होंने उनको ना कहीं ना कहीं मेरे पे विश्वास था कि यार जिन भी चीजों से ये झेल रहा है जिन भी चीजों से ये जा रहा है स्कूल में ना एक टीचर थे मैं एक इंसिडेंट आपको घोषित करूंगा उन्होंने ना एक कुछ एक्टिविटी भी थी और उस एक्टिविटी में ना मेरे पापा को बुलाया स्कूल में सुबह और ये बोला कि आपका लड़का ना इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि आपका बेटा ना अब नॉर्मल है उन्हें शायद ये समझ नहीं आया कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी मेरे को ब्रेन ट्यूमर था तो मैं सर्टिन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था बट उन्होंने जब ये सेंटेंस बोला ना कि मेरा आपका बेटा अब नॉर्मल है पापा ने मेरे को उसी दिन स्कूल से निकलवा करके किसी और स्कूल में डलवा दिया था मैं हाफ मिड सेशन में था मैंने वो लाइक यू नो इंट्रो मतलब वो जो सेशन था वो शुरू ही हो रहा था बट मेरे पापा के लिए वो चीज़ कितनी हर्टफुल रही होगी ना जब इतना सब कुछ वो ये ना लोगों को आपके बैक हिस्ट्री नहीं पता होती कि आप किन चीज़ों को फेस करके वहाँ पर पहुँचे हो एंड लोग एक रैंडम कमेंट दे देते कि भाई तुम इस चीज़ से जाकर तुम बस ऐसे हो तैरसे ना हो पा रहा जिंदगी में तू तो कुछ नहीं करके आया बट जो जो जर्नी जो, जो, जो चीज़ें झेल करके वो इंसान वहाँ पर इंसान क्या मैं मर्द की नहीं मैं बात कर रहा करूं एक एक लड़का लड़की जब वो चीजें फेस करके वहां पर पहुंचते हैं ना तो कोई बैक हिस्ट्री के विदाउट जाने उस पर कॉमेंट कर देता है और तब बहुत बुरा लगता है खैर स्कूल टाइमिंग निकला था पापा को प्राउड कराना है मैं आपको बता देता हूँ आई वॉज दी यू नो दॉपर ऑफ माई स्कूल टेंथ में ट्वेल्थ में आई वॉज लाइक नाइन्टी नाइन परसेंट ओल्डर उस टाइम सी जी पी है था फिर उसके बाद पापा मेरे टीचर थे तो मुझे बचपन से सपना था कि यार मुझे बस अपने पिताजी जैसा बनना है मुझे अपने बाप को प्राउड बनाना है मेरा पिताजी मेरे को एक दिन देख करके बोले कि भाई तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी सो आई वॉज रियली प्राउड फॉर देट जैसी मेरी ट्वेल्थ खत्म हुई और उसके बाद मैंने मैं आपको एजुकेशन बता देता हूँ आई कम्पलीटेड माई बी कॉम एम कॉम एम एकनॉमिक्स बी एड तुम तो भाई मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो दस <laughs> गुना ज्यादा <भाई> <laughs> एजुकेशन मैटर नहीं करती आप जिस तरीके से बिहेव आपकी जो तमीज़ आपके जो संस्कार है वो मैटर करते हैं मेरी मम्मा भी पढ़ी लिखी नहीं है बट फिर भी पूरे पूरे घर का सिस्टम चलाती है वो पूरे घर को हैंग कर देती है सिस्टम में सो एजुकेशन मैटर नहीं करती बट एजुकेशन एक तरीका सिखाती है कि आपको सामने वाले के साथ बिहेव कैसा करना है हमारी माएँ शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी बट आपको पता है कि जो संस्कार जो तहजीब जो लहजा मेरी हमें हमारी माएँ सिखाती है ना वो शायद कोई भी एक एजुकेटेड बंदा नहीं सिखा सकता कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सिखा सकता बोलते हैं ना कि माई जिंदगी का पहला स्कूल होती है सो so, इतनी एजुकेशन कंप्लीट करी कॉलेज में भी मेरा यूनिवर्सिटी में थर्ड uh, रैंक था पूरे उत्तराखंड में सो so, बहुत पढ़ाई करके मैं आगे बढ़ा एंड मेरे को यही था कि यार मेरे को अपने पापा को प्राउड बनाना है मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पापा टीचर थे तो मैंने सोचा यार पापा की तरह टीचर बनूंगा तो पहली ट्यूशन पकड़ी थी जिंदगी की मैंने तीन सौ रुपए मैंने एक होम ट्यूशन दी थी मैं एक बच्चे के घर गया था मैंने कहा यार मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा और फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा था पूरा फोर्थ फिफ्थ क्लास का उसका क्या ही होता था पढ़ाने के लिए बट जब वो तीन सौ रुपए मिले थे ना पहले जिंदगी के तो ला करके मम्मी के हाथ में रख दिया मैंने कहा ले माँ मेरी जिंदगी की पहली कमाई तेरे लिए इन तीन सौ रुपये मम्मी के लिए क्या ही होते थे उस टाइम अभी की बात कर रहा हूँ दो हजार सत्रह अट्ठारह की तो मम्मा ने वो तीन सौ रुपये जा करके ना पूजा में रख दिया हमारे उसमें रहता है कि लड़की की पहली कमाई है तो मंदिर में रख देते हैं वो आज भी वो तीन सौ रुपए का नोट मम्मी ने मंदिर में संभाल के रखा है कि लड़के ने वहाँ से शुरू करा था धीरे धीरे करके यू you नो know, uh, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए तो लोगों को दिखा कि यार ये पढ़ा सकता है ये थोड़ी सेंसेबल बातें करता है उसके बाद मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला इंस्टीट्यूट में मैंने पहले साल में केवल दस बच्चों से शुरू करा था और दूसरे साल मेरे इंस्टीट्यूट में तीन सौ बच्चों का लाइक यू नो एक पूरा बैच बन गया था तीस 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 चालीस चालीस करके एक एक सेशन बन जाते थे एंड सुबह के आठ बजे से लेकर के रात के दस बजे तक मैं पूरे दिन भर बस यू नो इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहता था फिर जब वो इंस्टीट्यूट फेमस हुआ तो मुझे जिस जि, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में ना बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आते थे तो उन बच्चों ने अपने स्कूल में एक रखा कि यार हमारे ट्यूशन वाले भैया हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप एक बार उन्हें इंटरव्यू देने के लिए बुला लो अगर आपको लगता है कि वो सही पढ़ाएंगे तो आप उन्हें स्कूल में जॉब दे देना इसी तरीके से ना मुझे मेरी स्कूल की पहली जॉब मिली मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू करा एंड फिर मैं अपनी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कि बहुत अच्छा टीचर है पढ़ाता है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद स्कूल में जॉब मिली स्कूल में जॉब करने के बाद मुझे कॉलेज में जॉब मिली मैं जब बी कर रहा था तो एक कॉलेज था जहाँ पर मैंने अकाउंट्स टैक्स एंड कॉस्ट पढ़ाया मैं उस टाइम 24 साल का था और मैं 27 से 28 साल वाले बच्चों को कॉस्ट टैक्स थ्रू मिल रहा है मेरे को कि हाँ जिस लाइन में जिस लिए मैं चीज़ के आया था कि मुझे अपने पापा को एजुकेशन फैक्टर में एजुकेशन फील्ड में प्राउड करना है हैं माई डैड वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी क्या बात है तो अभी बताओ फैमिली में कौन तुम और एक भाई हो जी छोटा भाई है। मैं मतलब फैमिली वैसे तो बहुत बढ़िया बट मेरी पर्सनल फैमिली में मम्मी पापा मेरा छोटा भाई और दो मेरे बच्चे हैं जो एक का नाम है सैंडी एक का नाम है जूली दोनों पापी है मेरे सैंडी इज अ लेबरेट और जूली इज अ टॉय पॉम बहुत प्यार करता हूँ उनसे तो मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती है कि हमारे घर में ना Uh, दो कुत्ते नहीं हमारे घर में चार कुत्ते हैं मतलब दो तो उनके वो वाले बच्चे जूली और सैंडी और दो कुत्ते हम तो हमारे घर में मम्मी हमेशा बोलती कि मैंने चार कुत्ते पाल रखे हैं <laughs> ये तुम तो व्लॉगर सेंसेशन सेंसेशन डिजिटल कैसे बन गए uh, जब ये एजुकेशन वाला फील्ड मेरा चल ही रहा था तो मेरे को ना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था मेरे को ये था, था कि मैं क्योंकि पूरे दिन भर मैं बच्चों को पढ़ाता रहता था तो मेरे पे खुद के लिए टाइम नहीं रहता था सो एट द एंड ऑफ द डे ना मैं जब स्ट्रेस होकर के आता था तो बाहर के कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स थे तो मैं उनकी वीडियोस देखा करता था कि यार ये लोग ट्रैवल करके दुनिया को वीडियोस दिखा रहे हैं तो मेरे पे एक आइडिया यार क्यों ना मैं भी ट्रैवल करके लोगों को वीडियोस बना करके दिखाऊँ और उस टाइम पता नहीं था कि इसे व्लॉगिंग बोलते हैं जब आप लोगों को अपनी एक यू नो साइड ऑफ द स्टोरी दिखाते तो उसे व्लॉगिंग का नाम दिया जाता है और जब आप बाइक सुपर बाइक्स पर ट्रैवल करके लोगों को लोगों को एक ट्रैवल वीडियो देते हो उसे मोटो व्लॉगिंग कहते हैं सो so, मैंने मुझे बिना पता ही मैंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी थी एक ज़िंदगी का पहला कैमरा लिया था मेरी जिंदगी का फर्स्ट कैमरा सात हज़ार रुपये का था सिद्धार्थ भाई सात हज़ार रुपये का ट्यूशन की फ़ीस से लिया वो पहला कैम था एक रैप की लाइन भी है मेरी कि उस कैमरे ने, ने ना मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी थी जब वो सात हज़ार रुपये का कैमरा लिया एक हेलमेट लिया उस पर कैमरा लगाया आ, मैं आपको बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था तो उस टाइम के टी ने एक बहुत फेमस बाइक हुआ करती थी आपने सुना भी हो कि जिसके पास के टी हुआ करती थी ना वो बहुत स्टड माना जाता था, था बहुत ऐसा था कि भाई ये लड़का कुछ कर रहा है जीवन में और ये बहुत हैंडसम हंग करके एक इमेज बन जाती थी तो मेरे को भी बचपन में था कि मैं के लूंगा के लूंगा वो बाइक उस टाइम वन लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज की थी क्योंकि बस मैं हर दिन इंटरनेट पे उसके प्राइसेस ही चेक करते रहता था बार बार शोरूम में जाता था देखता था दूर से कि यार क्या कभी इस बाइक को ले पाऊंगा अपनी जिंदगी में एक लड़के के लिए एक बाइक लेने का सपना बहुत बड़ा होता है पहला सपना अपनी माँ को पहली कमाई देने का और दूसरा सपना अपनी बाइक ड्रीम बाइक लेने का सपना होता है सो so, जब मैं शो मैं रोज शोरूम जाता था यू नो लाइक जब भी फ्री होता था किस दिन ऑफ मिलता था मैं रोज शोरूम में जा करके उस बाइक को देखता था हफ्ते हफ्ते भर में कि भाई ये बाइक मेरे को लेनी है करके सो so, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ा करके दो साल मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में एक लाख रुपए मेरे पास थे बाकी के पैसे मैंने आपको प्राइस इसलिए बताई क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली याद था कि एक लाख रुपए मैंने अपने सेविंग से दिए थे और बाकी के नाइन्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ मेरे पिताजी ने दिए थे सो आई डेफिनेटली रिमेंबर दैट थिंग बाइक लिया धीरे धीरे करके ट्रैवल करना शुरू करा प्रॉब्लम ये होता था कि मुझे केवल संडे पे ही ऑफ मिलता था यू नो जहाँ पर मैं ट्रैवल कर सकता तो महीने की केवल चार वीडियोज़ आती थी सैटरडे तक ट्यूशन स्कूल कॉलेजेस पढ़ाता था संडे फ्री वॉक करता था तो संडे ट्रैवल करने जाता था अब ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मैं बाहर ट्रैवल करने चले जाऊँ क्योंकि मंडे से वापस बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता था वापस से अपनी जॉब पर जाना पड़ता था सो संडे को शूट करता था महीने की चार वीडियोज़ आती थी उस टाइम लोगों को कॉन्टेंट पसंद आना शुरू हुआ एक लाख सब्सक्राइबर्स कुछ तक मैं पहुँचा कितने टाइम में एक लाख सब्सक्राइबर्स करते हुए मुझे लगा एक साल ये चार साल की जर्नी में मैं आपको अपने माइल स्टोन की भी पूरी जर्नी बताता हूँ पहला डेढ़ साल के आसपास ले लो डेढ़ साल ले लेते हैं कि पहला एक लाख करने में मुझे एक डेढ़ साल लगा उसके बाद आ, मैंने वन मिलियन उसका नेक्स्ट मिलियन ये इसकी भी एक स्टोरी है बट मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि जब धीरे धीरे करके जब लोगों को कंटेंट पसंद आना शुरू हुआ तो मैंने नंबर ऑफ़ वीडियोस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया एक पॉइंट ऑफ टाइम आया लॉकडाउन के टाइम लॉकडाउन के टाइम पर मेरी जॉब चली गई मेरे यू you नो know, ट्यूशन्स बंद हो गए मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वो बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था तो जहाँ मैं महीने का उस टाइम पीरियड पे एक डेढ़ लाख रुपए कमाने लग गया था मेरी इनकम जीरो हो गई थी और आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम मेरे बैंक अकाउंट में कुछ मैंने कुछ एक कैमरा लिया था व्लॉगिंग के लिए आ, सोनी का कोई कैमरा था वो मेरे को दो लाख रुपए का पड़ा था और मेरे अकाउंट में कुछ दो लाख पचास हज़ार रुपये पड़े थे मैंने कहा यार अब तो कैमरा लेकर के व्लॉगिंग और अच्छी हो जाएगी क्योंकि लोग कॉन्टेंट देखना पसंद कर रहे हैं सो so, दो लाख पचास हज़ार में से दो लाख रुपए का कुछ कैमरा चला गया अकाउंट में मात्र पा पचास हज़ार रुपये थे उस पचास हज़ार रुपये में मेरी भी पर्सनल एक्सपेंसेस थे घर वालों को भी देना पड़ता था घर वाले यू you नो know, अभी इस पॉइंट पर अच्छा कमा रहे थे सैलरी बढ़ गई थी पापा की सब कुछ अच्छा हो गया था बट फिर भी एक लड़के का अब जब घर के बड़े लड़के रहते हैं ना तो आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती हैं समझनी पड़ती हैं सो उस पचास में से भी कुछ दस एक हज़ार मैं घर में दिया करता था वो लॉकडाउन बहुत लंबा चला था आपको याद होगा सो पहले महीने में इनकम एक डेढ़ लाख रुपए से सीधा ज़ीरो हो गई थी तो कुछ था ही नहीं कि यार, अब क्या करना है जीवन में खैर उस पॉइंट पर मैंने ना पापा से एक चीज़ पूछी मैंने कहा पापा आपको पता है कि अब लॉकडाउन लग चुका है और अब कुछ करने के लिए है नहीं यू you नो know, क्या करूँगा और पता नहीं है लॉकडाउन कितना चलेगा तो क्या मैं इन सब चीज़ों को छोड़ करके कुछ टाइम अपनी यूट्यूब करियर में दे दूँ और मैंने कहा पापा मुझे बस एक साल दे दो अपनी जिंदगी का जीने के लिए एंड अगर इस एक साल में मैं अपना वो सपना पूरा कर पाया तो ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी जी लूंगा नहीं तो जो आप कहोगे जो आपको जैसा सही लगेगा मैं आपकी तरह एक टीचर ही रहूंगा और यू you नो know, यही लाइफ में आगे बढ़ता रहूंगा सो so, वो पीरियड मेरे लिए भाई ऐसा था कि जब मैंने वो फर्स्ट वीडियो डाला ना मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो फैमिली के साथ बनाना शुरू करा क्योंकि लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते थे तो लोगों को इतना अच्छा लगना शुरू हुआ यार कि मेरा वो मम्मी का बॉन्ड मेरा पापा का बॉन्ड मेरे भाई का बॉन्ड तो लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे साइड से फैमिली व्लॉगिंग देखनी शुरू करी एंड फर्स्ट डेढ़ साल कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट वन ईयर था उसमें सिद्धार्थ भाई मैंने एक मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करे ये 2021 बीस से 21 -20 की बात कर रहा हूँ 2021 के एंड तक आते आते हम लोगों के चैनल पे वन मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे फिर उसके बाद लाइफ ऐसे जा रही थी एक पर्सनल ट्रा यू नो एक पर्सनल चीज़ें हुई कुछ जिंदगी में आ, मेरा ब्रेकअप हो गया जब एक लड़के का ब्रेकअप होता है ना तो कितनी भी चीजें चल रही होती है जिंदगी में वो सब चीजें उसे टूट जाता है कितने साल रिलेशनशिप था आपका लड़की के साथ ऑलमोस्ट एक साल का रिलेशनशिप था मोटा मोटा बट बहुत क्लोज रिलेशनशिप था इंटेंस था हाँ बहुत इंटेंस था बहुत सारी चीजें खराब हो गई थी उस रिश्ते में एंड क्या प्रॉब्लम मतलब मतलब दोनों यू नो मैं ही नहीं बोलूंगा सारी गलती उसकी थी बट दोनों साइड से एक रिलेशनशिप में ना ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती जितनी गलती शायद मेरी थी उतनी गलती शायद उसकी भी थी एंड वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा एंड उस चीज़ को लेकर के मैं टूट गया था जहाँ मैं महीने की चार वीडियोज़ डाला करता था वहाँ मैं महीने की ऑल्टरनेट वीडियोज़ पर आ गया था कि हर ऑल्टरनेट डे पर मेरे को वीडियो डालना था एंड मैं ब्रेकअप के बाद बहुत टूट गया था एक लड़का बहुत टूट जाता है ब्रेकअप के बाद जिस लड़की से वो प्यार करता है ना फिर वो सारी चीज़ें ज़िंदगी से चली जाए तो उसको लगता है यार अब ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं है क्योंकि एक लड़का वो खुशी उस लड़की में ही देख रहा होता है कि यार जब तक ये लड़की मेरे साथ है ना ये लड़की मेरे हर सुख दुख पे खड़ी है मैं मैसेज आकर के चीज़ें बता सकता हूँ उसको सबसे ज़्यादा भरोसा उस लड़की पर होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि हाँ यार कोई ना ये लड़की तो मेरे साथ खड़ी है बट उस पॉइंट पर शायद वो चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ वो भरोसा टूट गया था मेरा एंड मैंने अपना करियर क्विट कर दिया था मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर आई क्विट सुसाइडल थाट भी आए थे उस टाइम पर कि यार अब तो जिंदगी में कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है अब कुछ बचा नहीं जिंदगी में तो इंस्टाग्राम आई में मैंने एक स्टोरी डाली थी आई क्विट करके एंड उस आई क्विट पर इतनी गालियाँ पड़ी थी मेरे को कि पागल हो गया क्या क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सिद्धार्थ भाई मेरे फैन लोगों ने ना फैन बेस से सब्सक्राइबर्स कमाए बट मैंने ना परिवार कमाया है उन लोगों ने मुझे हमेशा एक चीज़ें समझाई हैं मैं शायद से हर मैं इतना मच्य नहीं रहा हूँ जिंदगी में और एक एक इंसान ठोकरे खा करके ही मचोर बनता है अपनी ज़िंदगी में तो उन लोगों ने मुझे सिखाई है मेरे से बड़े बड़े लोगों ने जो मैरिड लोग थे जिनके ब्रेकअप्स हो चुके थे ऑलरेडी जो स्ट्रामा से जा चुके थे ज़िंदगी में उन्होंने मेरे को समझाया कि बाबू भैया लाइफ बहुत बड़ी है पिक्चर अभी बाकी है तो ये पहली ठोकर है फिर वो इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने डिलीट कर दी क्योंकि मुझे लगा कि यार लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे क्यों मैं किसी के लिए आई क्विट किसके लिए था

बहुत डिप्रेशन वाला फेस था तो मैं कुंडी लगा करके अंदर बैठा रहता था तो मेरी मम्मी ना बार बार उस रूम में ये चेक करने आती थी, थी कि मेरी बेटे ने, मेरे बेटे ने ने मेरे कुंडी तो नहीं लगा रखी कि मेरा बेटा से तो नहीं लटक गया वो फेस भी मैंने जिंदगी में झेला है तो जब आपने ये क्विट और सुइसाइडल था आपने अपनी मम्मी पापा भाई से डिस्कस किया था मेरे पूरे पूरी दुनिया को पता था कि मैं किस फेस से जा रहा हूँ मेरे घर वाले मेरी एक मेरी अपनी कोई बहन नहीं है बट मेरी एक छोटी मैंने भव्या सो so, उसने मेरा जितना साथ दिया ना अगर आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं तो उसने मेरा कहीं ना कहीं साथ नहीं छोड़ा वो मेरी खून से सगी नहीं थी बट उसने जो खून वाला रिश्ता निभाया ना मैं धर्म भई नहीं बोलता उसे खून का रिश्ता नहीं है बट वो मेरी अपनी बहन से भी ज्यादा सगी आज मेरी अपनी बहन नहीं है खून की बट वो मेरी अपनी बहन से भी ज्यादा सगी है। आपको निकाला हाँ, इस फेस से। उसने मेरे भाई ने मेरे दोस्तों ने सब लोगों ने मेरे को उस फेस से निकाला एंड जिंदगी में मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा यू you नो know, जब आपकी जिंदगी ऊपर जा रही होती है ना तो एक डाउनफॉल हमेशा आएगा बट वहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि भाई उस डाउनफॉल से तुम्हें और ऊपर जाना है या तुम्हें और नीचे जाना है एंड जब भी जिंदगी कभी ऐसे नहीं चलेगी ये जिंदगी का ग्राफ ही ऐसा है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे और हम हर कोई ना कहीं इस ग्राफ से गुजरें तो जब ऊपर जा रहा होता है ना ग्राफ तो अच्छा लगता है बट जब नीचे आ रहा होता है ना तो मैंने जिंदगी से एक ही चीज़ सीख ली कि जितनी तालियां सुनने के लिए तुम खुश रहते हो ना उतनी सुनने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना पड़ता है उतनी गालियां सुनने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना, रहना होगा जो कम चीज़ मैंने उसके बाद करा इसको भाई है, अंगार भाई। तो कम बैक हुआ, बैक हुआ मैं कैसे हुआ बताता हूं अट्ठारह दिन बाद अट्ठारह दिन बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट करा Uh, जिसमें मैंने कहा भाई जो हो गया जिंदगी में हो गया बट अब बाबू भैया ऑन ट्रैक वापस आ रहे हैं और ब्लॉग्स बनाने शुरू कर रहे हैं मैंने लोगों ने ना मेरे कंटेंट के लिए मुझे हमेशा वो करा है कि भाई तू डाल क्यों नहीं रहा है लोग इतने कनेक्टेड है अगर मैं एक दिन एक दिन भी अपना ब्लॉग मिस करता हूँ ना तो लोग मेरे को बोलते हैं भाई कहाँ चला गया क्यों वीडियो नहीं डाला उनको सुनना होता है कि जानना होता है कि बाबू भैया की जिंदगी में क्या चल रहा है इस हिसाब का मैंने प्यार कमा लिया आज की डेट पर अगर एक अपडेट ना दू ना कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई अपना अपना भाई अपना दोस्त अपना प्यार वाला रिश्ता है तो अट्ठारह दिन के बाद जब एक ब्लॉग डाला ना तो वो वाले व्लॉग पे ऐसा था कि भाई क्या ही हो रहा है मुझे नहीं लगता था कि लोग इतना प्यार करते हैं बट लोगों ने अपना प्यार दिखाया और एक कमेंट आपको इतना मोटिवेट करते ना कि बाबू भैया वी आर विद यू बाबू भैया तू लड़ हमारे मैं, हम तेरे साथ खड़े हैं वो जो लोगों के कमेंट्स आए ना उसने मेरे को मोटिवेट करना शुरू करा और मैंने अल्टरनेटिव व्लॉगिंग से डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट करा 2022 से 2000 हज़ार हाँ दो के शुरू से 2022 के एंड तक हम लोगों ने इंटरनेट पे चार मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करे डेली व्लॉगिंग पे ये साल इतना अच्छा था जिंदगी का जो कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में इतनी सारी चीज़ें अचीव करूँगा मैंने जिंदगी की वो हर एक खुशी खरीद ली थी अपने माँ बाप के लिए एक पॉइंट वो था जहाँ मेरी दवाइयों के लिए मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं हुआ करता था और एक पॉइंट ये था आज की डेट पर कि मेरी माँ जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी, थी ना मैं बोलता था माँ तू प्राइस टेक मत देख तू बस हाथ रख इस चीज़ पर और ये मैं तेरे लिए ला करके घर में दूंगा सो so, उस पॉइंट तक मेहनत करी है सिद्धार्थ भाई ज़िंदगी में उस पॉइंट तक मेहनत करी है जिंदगी में एंड उस पॉइंट पर जब माँ बाप प्राउड थे ना तो ऐसा लग रहा था कि यार बस ये दोनों खुश रहने चाहिए अपनी तो सारी सारी अयाशी सारी जिंदगी की हर एक सपना पूरा कर लिया था एक सुपर बाइक लेने का सपने से लेकर के ग्यारह सुपर बाइक घर में खड़ी करने तक का सपना जी लिया था सब कुछ जी लिया था बट वो जो माँ बाप की खुशी थी ना वो मेरे लिए इतनी मैटर कर रही थी उस पॉइंट पर कि हां मेरे माँ बाप के सारे सपने पूरे हो गए उनका जब सपना पूरा हुआ ना तो मुझे ऐसे लगा था कि सब कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में दो हजार जब शुरू हुआ तो उस टाइम फिर हर अगले दिन साल अगले साल ऐसा था कि भाई अब इस साल कुछ और फाड़ना है 2023 में एक सपना था कि मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा सपना था कि यू नो कहीं कहीं ना कही, मुझे तेरे को टीवी पे देखना है एंड uh, महादेव जी की कृपा से वो सपना भी इस साल पूरा हुआ हाँ मैंने बोला कि वो ग्राफ फिर से ऊपर गया था बिग बॉस के एंटर करते हुए बट बिग बॉस के जो तीन महीने का सेशन था इसमें मैं मैंटली बहुत डाउन गया फिजिकली बहुत चीजें सही हैं इमोशनली तो मैं टूट गया था बट इस जिस दिन मैं बाहर आया हूँ ना वो ग्राफ अब यहाँ जा रहा है लाइफ में ना मैंने चौदह साल की उम्र में काम करना शुरू किया राइट जी बंबई में अकेला रहा हूँ सोलह साल की उम्र से हालांकि एक बड़ा भाई था जो दो तीन बिल्डिंग छोड़कर रहता था दोनों रेडियो वेडियो कर रहे थे मेरे तीस साल होने वाले इंडस्ट्री में एक चीज कह रहा हूँ ये बच्चन साहब के साथ हुआ है ये सबके साथ हुआ है इन आर ओन वेज हमारे साथ भी सक्सेस आता है हंड्रेड परसेंट एक डाउनफॉल आएगा फिर सक्सेस आएगा एक डाउनफॉल आएगा बिकॉज लाइफ आपको हमेशा करेगा बेटा अभी आया चलिए ले वो होता रहेगा जैसे मैं सोचता था यार चौदह साल की उम्र में मैंने काम कर लिया तो मेबी बाय द टाइम आई एम मैं मेबी यार रिलैक्स कर भाई सब बट लाइफ में चैलेंजेस आते तभी तो मजा है ना भाई बिल्कुल बच्चन साहब ने क्या देखा यार यू हैव सीन राइट द बिगेस्ट स्टार फिर 90 करोस डेट और फिर वापस वापस वही है कि जिंदगी आपको तोड़ेगी बस आपको जिंदगी के लिए वापस उठना पड़ेगा और जब वापस उठ के भागने लग जाओगे ना तब लोग तालियां बजाएंगे कि भाई इस लड़के ने वो करके दिखा भाई ये होगा अभी नहीं अभी तुमने बिग बॉस के बाहर तुम आए तुमने एक एक इंसान का दिल जीता मैंने बोला जब तुम मधुर से बात कर रहे थे वो तो तुम्हारी फैन हो गई फैन हालांकि उसने तुम्हारा कंटेंट नहीं देखा था उसको मालूम था वेरी ऑनेस्टली मैंने भी तुम्हारा कंटेंट ज्यादा देखा नहीं है बट आई एम अ फैन ऑफ यू द पर्सन मेरे भाई जब आप पर्सन से लगाव हो जाते ना तो आपके साथ एक फैमिली बन जाती जी, बिल्कुल। वो आपके साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल you know I mean? आगे भी मेरे भाई, आएगा तुम्हारे पास। लाइफ वापस वापस। में इतना इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली वापस। हो चुका कुछ भी आ जाए जिंदगी में खड़े कि आओ जब तक अपने अपने माँ बाप अपने लोग अपना परिवार अपने कम्युनिटी के लोग अपने सपोर्ट करने वाले लोग इस पूरे टाइम पीरियड में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सिद्धार्थ भाई ब्रोसिना ने इतना फ़ाइट करा है ना मेरे लिए बाहर से इतना फ़ाइट करा है मेरे लिए उन्होंने इतनी वो ये ना जितनी जिल्लत मैं शो के अंदर सह करके आया था ना उतनी जिल्लत उन लोगों ने भी सही थी लोग बोलते थे कि क्या फ़ैन न मैं बट ब्रोसेना ने दिखा दिया भाई कि तुम वो फ़ैन तब नहीं कहलाते जब तुम अपने आर्टिस्ट का अच्छे टाइम में साथ दे रहे होते हो

<laughs> ब्रो से रंगार बट भाई मैं आना चाहता हूँ लड़की के पास वापस जी जब उनको पता चला कि आप सुइसाइडल थॉट्स थे आपने आई क्विट डाला सबको समझ आ गया था कि उन्होंने आपको फ़ोन किया उस वक्त आ, मैं 18 दिन तक फ़ोन छोड़ चुका था उस 18 दिन में क्या हुआ कुछ भी आई लाइक मुझे पता ही नहीं चला था बाहर की दुनिया में क्या था मेरे परिवार वालों ने मेरी फैमिली ने मुझे बहुत स्ट्रांगली संभाला एंड ये चीज़ एक मैसेज मैं सब लोगों को लड़कों को देना चाहूँगा कि भाई आएगा वो इमोशनल ट्रॉमा तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा एंड उस ब्रेकअप के बाद ना तुम्हें संभलना है तुम जितनी जल्दी समझोगे ना तुम उतना आगे बढ़ पाओगे जीवन में मैंने अट्ठारह दिन ले लिया तुम अट्ठारह दिन मत लेना तुम एक हफ्ते में सम्भल जाना और अपने काम पर फोकस करना क्योंकि वो अट्ठारह दिन जिंदगी के वापस नहीं आएंगे बठाऊँ उन अट्ठारह दिनों ने मुझे बहुत मेटली स्ट्रॉन्ग कर दिया था आज की अगर मैं आज की डेट पे भी किसी लड़की को प्यार करता हूँ तो मुझे वो वो इमोशनल फीलिंग अब भी उतनी स्ट्रांग है और उस इंसिडेंट ने मुझे एक चीज़ सिखा दिया कि यू नो लाइफ में कुछ भी हो जाए टूट करके वापस उठना पड़ेगा लाइफ इतनी आसान नहीं है अभी भी वो लड़की ने कभी तुम्हारे साथ टच में होने की कोशिश की अभी तो था और सक्सेसफुल हो चुके हो कहीं ना कहीं वो सोच ये मैंने क्या किया ये इमेज में यू नो क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लड़कियाँ ना शायद आपके पैसे के लिए आपके फेम के लिए आपके साथ थी बट मैं एक तारीफ करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि कभी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो आपके साथ पैसे के लिए या फेम के लिए एक लड़कियों की एक बहुत इमेज बना दी जाती है कि लड़कियों को बस आप आपका पैसा और फेम चाहिए लड़कियों को बस आपसे आपका प्यार चाहिए होता है ना अगर आप वो प्यार उस लड़की को दे दो ना तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आज तू फेमस हो गया क्या वो लड़की तेरे पीछे पड़ी है नहीं नहीं होती सारी लड़कियां ऐसे नहीं होती जो केवल आपके पैसे और फेम के लिए आपके साथ हैं एक इमोशनल वैल्यू जब आप एक लड़की को दे देते हो ना एक प्यार जब आप एक लड़की को दे देते हो तो उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है लड़की तो को आपने उतना ध्यान और प्यार नहीं दिया <laughs> चीज़ें प्यार प्यार था डेफिनेटली हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था बट चीज़ें जब खराब होने लग गई ना तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम लोग साथ नहीं हो पाएंगे अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते बहुत यू नो एक कंप्लीट जर्नी थी हम दोनों की वो अलग हो गई बट ठीक है जो भी हुआ आई विश हर ऑल द लक इन अ लाइफ अच्छा करे जीवन में और बहुत बहुत पैसा कमाए बहुत इज्जत कमाए हाउ नाइस सो ब्यूटीफुली पुट हाउ नाइस ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि आ, हर लड़की पैसे के पीछे नहीं भागती शोहरत के पीछे नहीं भागती है बट हर सेगमेंट में अलग-अलग किस्म के लोग होते हैं जी बिल्कुल 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 ये चीज भी है कि हाँ वो एक तालाब में हाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सारे लोग फे, फे, बहुत सारी लड़कियाँ फे फेम या पैसे के लिए होती हैं बट मैं अपनी जमीनी की बात आई एम शॉप जैसे फॉर एग्जांपल मैं और नवाज मेरा अच्छा दोस्त है तो वो बात करते कि सडनली अब बहुत सी लड़कियाँ उसको हैंडसम पाती है ओके okay. और एक जमाने में नवाज भाई हैंडसम नहीं पाते थे okay.

बट अगर आपकी जेब में गांधी नहीं है ना तो लोग बोलेंगे भाई इसने क्या ही करा जीवन में क्योंकि लोग आज की डेट पे आपकी सक्सेस आपके पैसे से आपके अहदे से नापते हैं आप समझ रहे हैं सिद्धार्थ भाई कि आप जितना आप जितने अमीर हो आपने उतनी ही मेहनत करी है बट जरूरी नहीं है अगर एक गरीब इंसान भी उतनी मेहनत कर रहा है फर्क केवल गांधी का है।, है जिसके पास गांधी है उसकी बात सबने मानी है <laughs> भाई तो अभी रिलेशनशिप में हो भी भी uh, uh, अभी रिलेशनशिप में हूँ कितने साल से चल रहे हैं uh, ये ब्रेकअप के बाद ऑलमोस्ट लाइक like, uh, दो साल का एक गैप लिया मेंटली स्टेबल होने के लिए एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए अभी इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक वन वन एंड हाफ ईयर एंड अच्छा चल रहा है अभी तो फुल फुल अच्छा चल रहा है और वो करती क्या है uh, वो मेरे को ही मैनेज करती है अच्छा। मेरा ही मैनेजमेंट देखती है पूरा फैमिली के साथ तो पूरी टीम के साथ शी इज़ वन ऑफ द पर्सन एक मेरी बहन है और एक वो लड़की है बहन के, <laughs> एक, एक के बारे में <laughs> और वो पता मेरे से बहुत हट्टा खट्टा बंदा था तो अब मैंने कहा अब घुस तो गए भाई मैंने कहा चलो ठीक है दो थप्पड़ तो मार ही दूंगा उसके बाद चोर से निकाल देंगे बट बहन के ऊपर कुछ नहीं सुन सकता था शो में मैं बिग बॉस के अंदर एक बाबू भैया फेमस हुए एक ब्रोसेना फेमस हुई और एक भाविया फेमस हुई है तीन लोग तो हैं है, ये कैसे बनी गर्लफ्रेंड ऐसे काम काम करते वक्त बनी या पहले बन गई और फिर आपने काम में इन्वॉल्व कर है जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो यू नो जब मेरा ब्रेकअप हुआ था जब मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था तो वो मेरे डी में थी तो कहीं ना कहीं जब मैं उस फेज से गुजर रहा था आप सोचो तीन साल पहले की मैसेज 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 रिक्वेस्ट में मेरे पास हर 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 एक message, उसने हर एक 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 है उस उस लड़की लड़की का उसने दिन दिन मुझे मुझे पूरा शूट कर वाला सेगमेंट ने ना मुझे हर एक दिन करा है कि अनुराग जिन भी चीजों से आप गुजर रहे हो आप स्ट्रॉन्ग रहना ये करना वो करना सो हर एक मैसेज है मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है हाय अनुराग बिग फैन से लेकर के हाय अनुराग आई लव यू तक की जर्नी हम लोगों ने पूरी करी है सो so, वो मैसेजेस थे जब वो मेरा ब्रेकअप होता तो उस लड़की ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा उसने समझा कि भाई जो भी चीज़ें हो रही है अनुराग तुम्हारी ज़िंदगी में एवरी वन गोज थ्रू इट सब लोग जाते हैं ब्रेकअप सबके हुए ज़िंदगी में बट एक संभालने वाला दोस्त से है। मैंने तब भी वो मैसेजेस नहीं देखे जब एक दो साल कंप्लीट हो गए उस दो साल के बाद मैं जहाँ पर वो रहती है मैं वहाँ घूमने गया था एंड टहरी में वो एक जगह जहाँ पर वो रहती है पहाड़ों में तो मैं घूमने गया तो उसका मैसेज आया कि बिग फैन मिलना है करके तो मैं उस दिन भी नहीं मिला उससे बट उसके बाद एक दिन रैंडम डीएम में मैंने उसका मैसेज ऊपर देखा और मैंने खोल करके रिप्लाई करा तो जब मैंने उसे खोल करके रिप्लाई करा फिर मुझे पता लगा कि यार इस लड़की ने इतना सब कुछ जिया है मेरे साथ उसको पता था कि मेरी जिंदगी में हर एक दिन क्या चल रहा है मेरा आंखों का ऑपरेशन से लेकर के मेरी मम्मी की तबीयत खराब तक उसने हर एक दिन मुझे वो मैसेज करा था हर एक दिन जब मैं उससे बात करनी शुरू करी मैंने बहुत टाइम दिया दोबारा खुद को किसी पे भरोसा करने के लिए क्योंकि एक बार ही हो चुका था तो मेरे को था कि भाई दोबारा किसी लड़की पे अगर मैं भरोसा करूंगा तो बहुत चीजें देख करके भरोसा करूंगा दुनिया को भी तभी दिखाऊंगा जब मैं शोहर हुआ भी हो जाए आपके गार्ड बहुत भाई अभी सारी चीज़ों को बफर करके ध्यान देना है इन सब चीज़ों के लिए सो Uh, बातें शुरू हुई दो तीन महीने बीते हम मिले हम लोगों ने यू you नो know, हम लोगों ने घूमना फिरना शुरू करा हम लोगों ने एक राइड प्लान करी इन सब चीज़ों के बाद वी फाइनली आई फेल्ट कि भाई हाँ एक रिस्पॉन्सिबल लड़की जो चीज़ें संभाल सकती हैं एंड देन हम उसके बाद हम लोग वी स्टार्टेड लिविंग हम लोगों ने में रहना शुरू कर दिया फैमिली के साथ ही घर के साथ ही रखा है माई होल मैनेजमेंट पूरा सब कुछ संभालती है मेरी बहन के साथ ये दो ही लड़कियाँ जो यू you नो know, जो लड़कियों में मेरा मैनेजमेंट संभाल रही है और भी बाकी सारे दोस्त हैं बट अभी उसने सब कुछ संभाल रखा है मेरे लिए किसने ओपनली एक्सप्रेस किया तुम्हें मालूम था कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड थी राइट पर तुम्हारा रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या तुमने भी उनको एज मेनी वर्ड्स में आई लव यू बोल के बोला यस yes, मैं आपके साथ रिलेशनशिप पर रहना चाहता हूं या कभी कभार अंडरस्टूड हो जाते हैं बस आप घूमते हो फिरते हो अंडरस्टूड हो जाते हैं क्या था वो मुझे एक चीज समझ में आई है जिंदगी में कि आप जितना शब्दों में कम एक्सप्रेस करोगे ना और अपने एक्शन में एक्सप्रेस करोगे उन दोनों का डिफरेंस अलग होगा शब्दों से ज्यादा जब आप एक्शन में एक्सप्रेस करते हो ना कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो तो वो मैटर करते हैं हम दोनों ही ऐसे इस पॉइंट पर कि हम लोग एक बोलने से ज्यादा हम लोग करने में विश्वास करते हैं प्यार दिखाने से ज्यादा हम लोग प्यार जताने में विश्वास करते हैं सो so, वो प्यार है अभी एंड डेफिनेटली वो रहेगा एंड मैं आपको शादी में बुलाऊंगा हो रहा है तो डेफिनेटली जब भी होगा तो मैं आपको अरे पक्का भाई, सुपर्ण, सुपर्ण, भी बहुत जरूरी होता है यार मैं भी विश्वास करता हूँ देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाइम विद सेल्व पीपल कैन लव दिम सेल्व बट एक सॉलिड कंपेनियन जब आता है ना यार तो फील होता है कि भाई है पावर पावर एक आती है यार जैसे मुझे मेरी बीवी नेहा मेरी बेटियां आदिरा साइशा ऐसा पावर आता है मुझे ना डेफिनेट आई कैन फील यू राइट नाउ वो पावर मेरे लिए दो लड़की तीन लड़कियां वैसे एक मेरी माँ एक मेरी बहन और एक मेरी गर्लफ्रेंड सो so, ये तीन लड़कियों ये जो के रूप में आई है ना मेरी जिंदगी में इन्होंने जितना मेरे को पावर दिया कि मुझे पता है ये तीन लड़कियां जब तक मेरे पीछे करिए ना कोई नहीं हिला सकता सिस्टम सामने वाले का सिस्टम हैंग कर देंगे बट कोई अपना सिस्टम टच भी नहीं कर पाएगा भाई वो एक चीज है जो तुम्हें डिस्कवर करवाया खुद के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ टाइम जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना तो क्या रहता है एक रिलेशनशिप में एक लड़की को अटेंशन चाहिए होता है एंड डेफिनेटली सारी लड़कियों को अटेंशन चाहिए होता है बट यू नो जब वो लड़की को समझ में आता है ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस लड़के के लिए इसके लिए इसका करियर इम्पॉर्टेंट है एंड अगर ये मेरे पे फोकस ना करके अपने करियर पर फोकस करेगा और यू you नो know, अपने करियर के लिए टाइम देगा मेरी दिन भर में एक भी कॉल नहीं होती कभी कभी मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं एक भी कॉल नहीं कर पाता बट उसके बावजूद उसे समझ में आता है कि यू you नो know, इसको अभी इसका टाइम चाहिए एंड फिर भी वो मेरे साथ है मेजोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स क्यों टूट जाते हैं यू नो क्योंकि उन दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं बाईस साल से 30 साल तक एक एज जर्नी है जहां पर आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको डंके की चोट पे मेहनत करनी पड़ती है या तो आप अपने आठ घंटे हेलो बेबी खाना खाया आपने हेलो बेबी मेरा बाबू कहता है इस, इस चीज़ में बिता दो या फिर आप वो आठ घंटे बारह घंटे यू नो एड़ी चोटी का दम लगा करके अपने काम करने में लगा दो खुशी इस चीज़ की होती है कि जब वो बारह घंटे के बारह घंटे के बाद मैं एक टैक्स या कॉल करता ना तो वो मेरे को बोलती है कि भाई अनुराग आज तूने ये काम अच्छा करा अनुराग तूने ये काम बहुत बेस्ट करा ये वीडियो बहुत अच्छा बनाया वो ये नहीं बोलती कि तूने मेरे को मेरा टाइम क्यों नहीं दिया एक लड़के के लिए या एक किसी भी रिश्ते में जब उसकी जब उसका पार्टनर एक लड़की इतनी अंडरस्टूड हो जाती है कि भाई इसको इसका वक्त दे दो मेरे लिए तो पूरा वक्त रहेगा शादी होने के बाद पूरा वक्त उसी के साथ बिताना है बट अभी मैं उसको एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ मेरे लिए एक मेरे माँ बापों के सपने पूरे हो चुके हैं बट मेरे लिए भी सबसे बड़ा सपना यह है कि यू नो मैं अपनी बेटी को वो हर एक चीज़ दे पाऊँ मेरे लिए ना लड़कियों के लिए हमेशा एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कोई लड़की इस दुनिया में करती है ना एक औरत जितना कुछ कर पाती है वो शायद और कोई नहीं कर पाता सो so, जिस दिन मेरी बेटी होगी ना भगवान से प्रे करता हूँ कि मेरी बेटी हो एंड उस चीज उसको मैं इतनी खुशियां दूंगा ना जिंदगी में वो सोच भी नहीं सकती भाई मैं दो बेटियों का बाप हूँ मेरी अधीरा आठ साल की है साइशा पाँच साल की है मेरा तो अरेंज मैरिज हुआ था वो अलग कहानी है बट एनी थ्री थ्रीन इन माई ऑब्वियसली माँ भी मैं बताता हूँ जो बेटियों का रिश्ता

प्यारा है मेरा हीरो है सुपर हीरो आपने एक एक बात कही कि एक बेटी के लिए उसका पिताजी उसके लिए कोई सुपर हीरो नहीं मैटर करता उसके लिए उसके पिताजी सुपर हीरो होते हैं तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बेटर हो गया क्योंकि मैंने कहा कभी ऐसा नहीं कोई बोलना चाहिए कि यार तेरा बाप ना बुरा इंसान था बिल्कुल दैट एंड कैन आई टेल यू जब मैं घर से निकलता हूँ मैं ऊपर वाले से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए तो कर रहा हूँ माँ बाप के लिए भी थैंकफुली जो करना था ठीक किया कि अब जो कर रहा हूँ मेरी बेटी और वाइफ के लिए ना

वो इसी जन्म में आपके पास वापस आएंगे और अगर इस जन्म में आपके पास वापस नहीं आए तो आपके वो बच्चों पे वापस आएंगे सो so, ठीक है तुम अच्छा भी कर रहे हो ना और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो भी करते जाओ एक ना एक पॉइंट पर तुम्हें वो फल मिलता जाएगा मेरे को आज की डेट पर आप मैं इतना कुछ झेल करके सिद्धार्थ भाई उस टाइम मैंने शो के अंदर इतनी सारी चीजें झेली मेरी टीम ने इतनी सारी चीज़ें झेली मेरी भरोसे ने इतनी सारी चीज़ें झेली बट आज जो इज्जत जो प्यार मिल रहा है ना मैं मैं कभी कभी रोज आता हूँ रोड पर जब मेरे को लोग आकर के स्पेशली हक करते हैं अनुराग भाई मैं आपके साथ हूँ आप बस स्ट्रोंग रहना उनको पता है कि मैं किस मेंटल ट्रामा से गूँ बट वो जो आज कमा लिया ना जो इज्जत मैं आपको बोला ना कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है पैसा फेम कमा लोगे बट इज्जत कैसे कमाओगे वो मैंने कमा ली शो से एंड जो लोग जानते भी नहीं थे उन लोगों के सामने मतलब वो लोग मुझे आज की डेट पर जानते हैं वो लोग मुझे प्यार करते हैं इज्जत करते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा हो गई थी सो उस कॉन्ट्रोवर्सी में एलविश भाई आ, एक ऐसे बंदे थे और भी बहुत सारे लोग थे लक्ष्य भाई सम्राट भाई इन लोगों को इतना शायद मैंने नाम ज्यादा जगह नहीं लिया बट हाँ एलविश भाई ने मेरा सपोर्ट इतना तगड़ा करा है इतना तगड़ा वो मेरे को उस टाइम पे जानते भी नहीं थे एंड उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट करा था कि भाई टेक केयर ब्रो भाई चारा ऑन टॉप सो so, उस कमेंट से लेकर के जान देने वाले तक के सफर पे हैं ब्रोसेना और एलविश आर्मी लाइक जब साथ में खड़ी होती है ना तो फिर सिस्टम हैंग हो जाते हैं लोगों के सो so, आज भाई चारा ऑन टॉप सच्चाई में हम लोगों ने एक ऐसी दोस्ती एलविश भाई और मेरी दोस्ती ना बहुत फेमस है अभी इंटरनेट पर एंड हम खड़े हैं भाई एक दूसरे के लिए उसका भी बुरा वक्त चला बीच में

वीडियोस बनाए आप पर मजाक उड़ाया स्टफ लाइक दैट वो कैसे हैंडल करते हो आप अब इमोशनली बोलते हो अरे यार ये फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है या फिर स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुके थे आप डेफिनेटली uh, uh, मेरे को इन मतलब ये सारी चीजें बहुत छोटी हो चुकी हैं आज की डेट पर फर्क भी नहीं पड़ता मैं देखता भी नहीं हूँ सारी चीज़ें मेरा ध्यान अब वहां पर है जहां मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पहुंचना है अगर मैं इन सब चीज़ों में रहता फंसता चले जाता ना उस पॉइंट पर तो आज ये बैठ करके हम बिग बॉस के बाद इंटरव्यू नहीं दे रहे होते तो so, मेरा फोकस उस टाइम आज भी मेरा फोकस ये है कि उन चीज़ों पर मत दे उन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए जो तुम्हें नेगेटिव वाइब दे उन चीज़ों के लिए वर्कआउट करो आज टी वी तक का सफ़र पूरा हो गया ना फ्यूचर में दस प्रोजेक्ट्स और है कि भाई हाँ मेरे को अब एक मूवी के लिए जाना है हाँ मेरे को एक सीरीज के लिए जाना है और बाहर आते ही ऑफर्स भी आने शुरू हैं ये चीज़ मेरे लिए सपना थी एंड आज अगर मेरे को ये सारी चीज़ों के लिए यू you नो know, बात चल रही है मीटिंग्स चल रहा है तो मेरे में एक सपना जी रहा हूँ तो मेरे गोल सिद्धार्थ भाई बहुत ऊपर है अभी जिंदगी में ऐसी और दस चीज़ें भी आएंगी तो ध्यान नहीं देना इन सब चीज़ों पे। राइज हाई हाल ही में वही आपने मेंटल इश्यूज़ फेस किए अपने लाइफ में जी भाई समर्थ ईशा ने मज़ाक उड़ा अभिषेक के मेंटल हेल्थ का सलमान बहुत अपसेट हो गए थे और मैं भी बहुत अपसेट हुआ था लोग भी अपसेट हुए कि ये कैसे कर सकते दोनों इस लड़के पर यू you नो know, टिश्यूज डालना उनके मुंह पे लगातार मजाक उड़ाना उनकी मेंटल हेल्थ पर और फिर उसके बाद अभिषेक ने हाथ उठाया सलमान ने ईशा से पूछा कि यार अगर तुम्हारे साथ कोई मेंटल हेल्थ के बारे में तुम वापस उनको मारती कि नहीं उन्होंने कहा हाँ मैं मारती तुम्हारा टेक इस पे क्योंकि एक है कि यार अभिषेक ने हाथ अदर साइड मेरे भाई बिल्कुल मैं मैं जब शो से बाहर निकला था तो मैंने पहले एक ही चीज़ बोली थी कि डिज़र्विंग विनर अभिषेक होना चाहिए एंड एंड तक मैं ये बोलता रहूँगा कि डिजर्विंग विनर अभिषेक ही होना चाहिए बिकॉज़ पता है लोगों को ना इस इस ये जो एपिसोड इस हफ्ते एयर हो रहे हैं इससे पहले भी मैं अभिषेक के साथ रहा हूँ तो शो के अंदर भी मैंने ना अभिषेक के साथ वो चीज़ें होती हुई देखी हैं फ़र्क केवल इतना था कि उस टाइम पर ये चीज़ें

डेफिनेटली आई स्टैंड विद यू नो अभिषेक और समर्थ मैंने एक चीज बोली थी समर्थ को शो के अंदर कि तेरा शो में यू नो तू घोड़ा बनाए ना बाहर तू जब आएगा तेरा घोड़ा इससे भी बड़ा बनेगा क्योंकि एक एक लड़के को जिस लेवल पे मेंटल ट्रॉमा दिया ना मैं दोनों के खिलाफ बोलता हूँ मैं ईशा और समर्थ के खिलाफ भी बोलता हूँ ईशा कोई दूध की दुली लड़की नहीं है अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड शो में ऐसा चीज़ कर रही होती ना तो उसे समझाता कि भाई तू क्या कर रही है हाँ एक रिलेशनशिप था अभी आपने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे मेरे को अगर ही करना होता या फिर मेरे को उस लड़की के बारे में दस चीज़ें नेगेटिव बोलनी होती नेशनल टेलीविजन पर मैं ईजी करके बोल देता और स्टड बन जाता बट मर्द वो नहीं है जो औरतों की इज्जत करना ना चाहें मर्द वो है जो औरतों की इज्जत उसके सामने भी करना जाने और उसके पीठ पीछे भी करना जाने सो so, समर्थ को अगर समर्थ नेशनल टेलीविजन पर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा है मैंने बहुत सारी उनकी क्लिप्स देखी है वो क्या कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे शो के बाद भी एक लाइफ है कि हम लोग पूरा शो पर ही यू नो सब कुछ बेच करके आ जाते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हम लोग कर देते हैं माँ बाप पे क्या जा रही होगी ईशा के नो वो तो एक लड़की है उसे तो एक चीज़ समझनी चाहिए कि बींग अ गर्ल एक मर्यादा का दायरा ना एक लड़की खुद सेट करती है कोई सब बताता नहीं है कि तू ऐसा कर वैसा कर और उसके माँ बाप के लिए मैंने एक इंटरव्यू देखा यू नो उसके पापा का वो ये बोल रहे थे कि बस हमें हमारी लड़की वापस भेज दो कितना ह्यूमिलिएटिंग होता होगा यू नो जब ये किसेज वाली वीडियोज़ यू नो वो यहाँ हाथ पे रखने वाली वीडियोज़ जब बाहर जाएंगे उन चीज़ जस्ट नाइनटीन ट्वेंटी बच्चे हैं लोग अभी इन्हें पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं फेम के चक्कर में बस वो है ना कैमरे पर दिखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ तो ईशा को समर्थ को इन सब चीज़ों के लिए रोकना चाहिए कि भाई तू क्या कर रहा है नेशनल टेलीविजन पे मेरे साथ वो शादी भी नहीं है उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है आज की डेट पे शो के बाद वो अलग हो जाएंगे तो हाँ एक स्टोरी चली जाएगी ब्रेकअप बट वो वीडियो जो मोमेंट्स उन लोगों ने साथ में नेशनल टेलीविजन में बिताए क्या ईजी एज, नहीं होने वाला है ईशा के लिए भारी ये सारी चीजें करने और शायद उनके अगर फ्यूचर में एक फेस करना वो बाहर जाते होंगे लोग बोलते होंगे की क्या कर रही है आपकी लड़की एक लड़की इसीलिए प्राउड होती है कि उसका बाप उसके लिए अच्छा काम कर रहा है बट एक पिताजी भी तभी प्राउड होता है जब उसकी लड़की उसके लिए कुछ अच्छा काम कर रही होती है यू नो ये दोनों साइड से होता है सो ईशा एंड समर्थ ने एक लेवल गिरा दिया अपना कि भाई तुम एक इंसान को अभिषेक को इतना मेंटल टॉर्चर कर रहे हो एंड टॉकिंग अबाउट मुनावर बहुत दोस्त 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 करता रहता था ना बहुत ही ये था उसका कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है उस शो में ना उसने नाजिला का साथ दिया बाहर उसकी इमोशंस की धज्जें उड़ाई ना उसने आयशा का साथ दिया अंदर फिर आयशा फिर फिर आयशा फिर नाजिला एंड अभिषेक जिसको वो दोस्त बोला करता था आज जब इतना सब कुछ हो रहा था उस शोक में उसके साथ तो वो कहाँ स्टैंड लिया उसका आपको पता है जिस दिन मैं शो से बाहर आया ना उस दिन अभिषेक और मैं ये बात कर रहे थे कि भाई इस घर में हम दोनों ही अकेले हैं और अभिषेक और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन रखा था उससे क्योंकि मैं वो रोता था ना तो मैं उसके साथ बैठ करके उसे समझाता मैंने कहा भाई देख मुश्किल टाइम में निकल जाएगा सब गए हैं इस फेस से मैं भी गया शो में कि भाई मुझे मेरे से नहीं हो पा रहा वो रोता था वो मोमेंट्स याद करके कि उसे जब वो बोली नीचे की जब वो पागल खाने वाली बात बोली उसे अब

चिंटू ने अपना रिस्पेक्ट खो दिया है ना डेफिनेटली नो वन इज गोना आप क्या बोल के उनसे रिस्पेक्ट मैं मतलब बैठ भी नहीं बैठने का भी मन नहीं करेगा उनके साथ बैठ करके क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है आप नंगे थोड़ी ना हो जाओगे नेशनल टेलीविजन की भाई हम तो ऐसे ही हम कुछ भी कर रहे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं कि हमें अगर प्रोमो में दिखना है ना मैं बोला ना आप अपनी जिंदगी का प्रोमो खुद बनाते हैं और वो अपनी जिंदगी का जो प्रोमो बना रहे हैं ना वो डेफिनेटली फ्लॉप हो चुके हैं विक्की और अंकिता डिवोर्स की बातें घर के अंदर हुई थी तुम्हें लगता है बाहर वो अपना रिलेशनशिप संभाल पाएंगे कि नहीं वही चीज़ फिर से आ जाती है कि एक यू नो हस्बैंड वाइफ को भी एक रिलेशनशिप देख करके चलना पड़ता है कि भाई किस लेवल का वो रिश्ता दिखा रहे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं नीर और ऐश्वर्या के लिए बोलना चाहूंगा उन्हें एक फीडबैक मिला था उनके रिश्ते को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें वो संभाल ली एंड हाँ लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी बहुत भयंकर लड़ाई हुई हैं बट डिसरिस्पेक्ट हुई है बट इस पॉइंट तक नहीं हुई कि भाई तुम डाइवोर्स की बातें कर दो नेशनल टेलीविजन में जो बातें निकल गई ना जब एक बार मुंह से वो बाण निकल जाते हैं ना शब्दों के तो कभी वापस नहीं आ सकते अभी आपने भी एक चीज़ बोली कि डाइवोर्स की बातें हो गई तो अब आप उनके अब आप आपको उनके रिश्ते पर इतना भरोसा ही नहीं है कि भाई वो रहें नहीं रहे साथ में बट कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि विक्की ने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया है अंकिता जी की घर पर एंड अंकिता जी ने भी सेम करा थप्पड़ थुप्पड़ मार दिया अपने पति को नेशनल टेलीविजन पर थप्पड़ मार रहे हो Who does that यार? मैं अपने मां बाप को देख करके लगता है आप अपनी वाइफ की धज्जे उड़ा, उड़ा रहे हो वाइफ आपकी धज्जे उड़ा रहे तो आपको लगता है वो रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा कि नहीं नहीं डेफिनेटली आई थिंक वो सर्वाइव नहीं करेगा घर के बाहर समर्थ ने सलमान से कहा कि उनको मालूम था कि अभिषेक के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है यानी कि उनको समझ था कंप्लीटली कि अभिषेक मेंटल थेरेपी से गुजरे हुए हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनको मालूम था ट्रिगर पॉइंट्स क्या फिर उन्होंने अटैक किया ये बिल्कुल प्लान स्ट्रेटजी थी ये होता था कई बार मेरे को भी पोक करने आता था मैंने एक बोल फोड़ दिया था शो के अंदर तो उसे पता था कहीं ना कहीं से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो अभिषेक के टाइम भी उसने सेम यही चीज़ करी क्योंकि उसे पता था कि ये इतना आप किसी के मुंह में टिश्यू डाल दोगे मैं होता ना तो मैं तो मुक्के मुक्के मार करके बाहर निकल जाता इज्जत के साथ बट ही इज़ नॉट समर्थ इज़ अ वेरी चीप गाय बहुत चीप लड़का है एंड कैसे रियल लाइफ में भी कैसे मुझे नहीं लगता उसे कोई काम पर भी रखेगा यार कौन आप एक पर्सनैलिटी दिखाने गए हो वहाँ पर और वो जो रियल है ना एक यू नो चीप चीप ही बन गया पूरा कि एक शब्द होता है बहुत गलीच यू नो जहाँ पर कोई और नहीं होता कोई नहीं होता कोई संस्कार नहीं होते बस आप करते ही चले जाते हो आप अपना लेवल हर दिन स्टूप डाउन करते चले जाते हो तो वो सिद्धार्थ तो तो वो समर्थ और ईशा को देख करके कैसे कि भाई अब तो ना हो पाएगा इनके साथ अब तो नहीं बैठना कितने गाड़ियाँ और बाइक्स है तुम्हारे पास <laughs> मेरे पास सिद्धार्थ भाई ग्यारह सुपर बाइक ग्यारह बाइक्स है टोटल जिसमें से छः सुपर बाइक्स हैं एंड एक सुपर कार है मेरे पास दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई Supra MK5. तो माने एक गाड़ी गाड़ियां मेरे पास कितनी है एक Supra गाड़ियां पांच और बाइक्स बाइक्स ग्यारह पांच गाड़ियां और ग्यारह बाइक्स हाँ जी अच्छा और और घर कितने है? घर फिलहाल के लिए एक ही है उसी को घर को अभी रिनोवेट कर रहे हैं वो है ना कि मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता तो मैं अपनी जिंदगी वहीं बताना चाहता हूँ अपने माँ बाप के साथ ऐसे होना चाहिए भाई स्टे स्टे विदाई नो भाई मुझे वो उन सब कुछ कमा लो जिंदगी में जब जिंदगी से मा... इन तीन महीनों में तो ये सीख लिया कि तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना तो खुशी नहीं है सब कमा लोगे बट जब माँ बाप एक पॉइंट आए ये बहुत बड़ा डर है जिंदगी में नो एक पॉइंट आएगा जब हमारे जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ नहीं मिलेगा वो वक्त तो मेरे पास मैं जितना वक्त अप... अपनी जिंदगी का उनके साथ बिताना चाहता हूँ ना वो मैं उनके साथ बिताऊंगा एंड तक मैं अपना घर घूर लूंगा एक घर उनको वहां शिफ्ट करूंगा और आलिशान बंगले में शिफ्ट करूंगा बट उनके साथ ही रहूंगा एंड तक ये होता हो कि बिग बॉस में जब थे तब ज्यादा कमाते थे कि जब बाहर रहते हो बिग बॉस के और अपना व्लॉगिंग करते हो बाकी चीजें करते हो उसमें ज्यादा कमाते हो बिग बॉस की फीस की बात कर रहे हो आप तो हाँ। बिग बॉस की फीस उसका पांच परसेंट भी नहीं थी जो मैं कमाता था बट बिग बॉस से आने के बाद जो तीन दिन में मैंने कमाया है ना <laughs> वो वो तीन महीनों का लॉक पीरियड कंप्लीट कर चुके तो ये तीन दिन और अभी तो चल ही रहा है ये दिन की जो कमाई है ना प्रो। <laughs> रिवील नहीं कर सकता बट हाँ भाई अब अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मतलब जो कमाता था उससे छह सात गुना और ब्रांडिंग इतनी सॉलिड हो गई है हाँ। कि अब जो तुम्हें पैसे मिलते थे बाहर के काम के लिए वो अब छः सात गुना बढ़ चुका है एग्जैक्ट exactly. मतलब मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था बट हाँ कि मेरे लिए तो मैं घर के अंदर गया था घर से बाहर आया था मैंने अपने आप को टीवी में नहीं देखा ना तो अब लोग भी मिल को मिल मिलते हैं तो बोलते हैं बाबू भैया अब टीवी में आए तो मुझे भी लगता है ना भाई क्या ही कर दिया जीवन में ब्रांड वैल्यू हाँ डेफिनेटली बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है बट उस ब्रांड वैल्यू को मेंटेन रखना भी इंपॉर्टेंट टास्क है उसे लॉन्ग टर्म लेकर के जाना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है बट हाँ अभी ब्रांड वैल्यू बहुत आई हो चुके सिद्धार्थ अभिषेक ने भी शायद कहीं कहा था PM. PM, का क्या है डेडिकेशन है मेरी मेरा एक टाइम है थ्री फोर्टी फोर पी एम का तो जब भी इंटरनेट पे ब्लॉग आता है कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि चीजें अभी बहुत सारी चीजें बट एग्जैक्टली exactly मेरा थ्री फोर्टी फोर या फिर फोर फोर्टी फोर

डेडिकेटेड बनना है अनुराग तेरे को कि जो तू बोल रहा है वो तू करके दिखाए एंड वही चीजें डेढ़ साल से यही टाइमिंग पे फोकस दू और यही टाइम पर मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे लेट होते रहेंगे बट यही आंसर करना है। तो करो नहीं करना तो नहीं करो कोई प्रॉब्लम कितना कमाते हो महीने में या साल में uh, इतना है कि बस

ऐसा हो गया था कि बस अब उसका अलॉय व्हील बाहर आ रहा था कभी कुछ ख़राब आ रहा था कभी गियर बॉक्स चेंज नहीं हो रहा था तो मेरे माँ बाप को एक गाड़ी चाहिए थी आ, मैंने उनको एक गाड़ी गिफ्ट करी थी अपनी कमाई से पैसा बचाया था कुछ अट्ठारह लाख रुपए की गाड़ी थी मैंने कहा अब मेरे पास उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी पता है आपको मेरे को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी बट मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे फ़ोर व्हीलर सबसे पहली गाड़ी फोर व्हीलर अपने माँ बाप को गिफ्ट करी थी तो मेरी माँ ना बहुत रोई थी उस दिन के भाई उनको लग रहा था हमने जहाज़ खरीद लिया वो जहाज़ में बैठ करके पापा बोलते थे देखो पापा आज भी ये है बोलते हैं कि ये गाड़ी मेरे बेटे ने दिलाई है मेरी माँ बोलती कि ये गाड़ी मेरे बेटे ने दिलाई है मुझे तो वो मेरे लिए इतनी प्राउड मोमेंट है कि बाप से सीखा कि हकीका खाना है नकली को प्यार असली को हेट ये कड़वा सा सच ही असली ज़माना है तो पापा से सीखा था कि अपनी हक का कमाइए जिंदगी में और उनके सपने पूरे कर दिए वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी खतरों खतरों करना चाहते हो हाँ डेफिनेटली ऑफर आएगा तो पक्का करूंगा फिल्मों में एक्ट करना चाहते हो हाँ अगर एक्टिंग हो पाई तो कर लूंगा बट मेरे को वेब सीरीज़ करनी है फिल्म मतलब मेरा जो नेक्स्ट सपना है वो एक खतरों का है और फिल्म और वेब सीरीज़ और पर एक्टिंग का कीड़ा है अंदर डेफिनेटली हाँ, हाँ, कल आपका भाई अतुल भी एक क्रिएटर है हाँ, ही इज कलमिंग कलमिंग से जानते हैं लोग उसे एंड बहुत अच्छा बहुत अच्छा रैपर है बहुत अच्छा उसके अल्फाज लोगों के दिल पे बस जाते हैं बस बहुत अच्छा जितने भी लोगे देख रहे कलमिंग के गाने सुनो यार यार तुम्हें फील होगा उसकी थैंक यू, मेरे भाई। यू सो अपनी जिंदगी में जा रहा था फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में जा रहा था और मैंने एक चीज नोटिस किया कि पैसा शौरत तुम्हारे लिए इतना अहमियत नहीं रखता जितने मैंने बार बार सुना है अपने माता पिता भाई भव्या स्पेशल <laughs> जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है राइडर लेडी एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल क्योंकि तुम इंपॉर्टेंस देते हो अपने रिलेशनशिप्स पर तुम इंपॉर्टेंस देते हो अपने वैल्यूज पर तुम इंपॉर्टेंस देते हो छोटी छोटी चीजों पर एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू स्पेशल और इसकी वजह से तुम जिंदगी में जीतते रहोगे भाई सिद्धांत भाई और तुमसे बात करके या लोग तुम्हारे दिल के, तुम के अंदर घुस जाते हैं तुम्हारे तुम सेंटी कर देते हो क्योंकि तुम इतने से बात करते हो और आज के लाइफ में सिद्धार्थ भाई वो है ना कि रियल पर्सनलिटी थी वहां दिखा देते तो, really आधे घंटे में अगर ये चीजें बोल सकते हो सिद्धार्थ भाई तो मैंने तीन महीने कितना एक्सप्रेस करा होगा बट वो कभी आया नहीं बट हम आप ही अभी वो चीजें बाहर आ रही है कि लोग पसंद कर रहे कोई एक ऑनेस्ट सच्चा सॉलिड इंसान को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता एंड यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट यू आर अनस्टॉपेबल बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड लव ऑफ योर फैंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी फैमिली बिल्कुल तुम्हारे भी है। भी है। बिल्कुल। तुम्हारे भी बिल्कुल माता पिता भव्या एंड राइडर यू सिद्धार्थ गॉड ब्लेस गॉड बिटी का भी <laughs> 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 खोना मत पक्का पक्का लाइफ इन करप्टी बट डोंट बाय